बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट, इसके पहले हमने बेसिक लेवल की जो किताब तैयार की थी, उस किताब के अंदर मैंने कैलकुलेशन जो बतलाया था, वो कैलकुलेशन डायरेक्ट उसके अंदर नंबर्स दिए हुए थे, उस पर मैंने कैलकुलेशन बतलाया। अब जो हमारी लेवल टू की जो मैथ्स की किताब है, उसके अंदर क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स है हर टॉपिक के ऊपर तकरीबन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ज़्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए जस्ट मैं आपको आंसर की लॉजिक बतला दूंगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर कैसे आएगा। बाकी कैलकुलेशन किताब के अंदर मैंने पूरे करके दिए, आप किताब के पेज को सामने रखिए और उसके ऊपर से अपना आंसर जो है उसको टैली कर लीजिए। तो देखिए, हमारा पेज वन के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन कंपेयरिंग नंबर्स, मतलब जो हमको नंबर का कंपेयर करना है उसके अंदर हम क्या देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। उसके अंदर पहला प्रॉब्लम है, द रजिया सुल्ताना सेविंग ग्रुप मेड 3,45,000 पापड़, वाई द स्वाभिमानी ग्रुप मेड 2,95,000, विच ग्रुप मेड मोर पापड़। देखिए, इसमें दो ग्रुप बतलाए हैं, उन्होंने पापड़ तैयार किए हैं, तो उसमें से सबसे ज्यादा किसने बनाए हैं, तो ये हमको ये देखना है। तो उसके अंदर इसका डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, तो कंपेरिजन करना मैंने आपको बताया। देखिए, इसमें नंबर ऑफ डिजिट तो है, दोनों में सेम है, तो अब हम डिजिट बाय डिजिट चेक करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 2 है, तो 3 greater than 2, तो इसका मतलब क्या है, रजिया सुल्ताना ग्रुप मेड मोर पापड़, रजिया सुल्ताना ग्रुप ने ज्यादा पापड़ बनाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड दिया हुआ है, एट एन एग्जीबिशन द अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप सोल्ड गुड्स वर्थ 5,12,345। बाकी क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, जो सवाल है मैं पढ़ता हूँ यहाँ सिर्फ, विच ग्रुप हैड द लार्जेस्ट सेल, तो किस ग्रुप ने सबसे ज्यादा सेल किया है, उसका डेटा यहाँ पर आप दिया हुआ देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप हैड द स्मॉलेस्ट, किस ग्रुप ने कम सेल किए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द सेल्स फिगर इन असेंडिंग ऑर्डर, ये जो आपको आदत दिए हुए किसमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम ये सर्च करते हैं कि सबसे ज्यादा किसने बनाए है, सबसे ज्यादा किसने गुड को जो है सोल्ड किया है, बेचा है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सबसे बड़ा जो नंबर हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये 5 है, तो तकरीबन तो सभी 6 डिजिट के हैं। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये 12, यहाँ पर ये 11, बाकी ये 4 है, ये 4 है, तो ये कंपेयर होता ही नहीं है, 5 बड़ा ही इसके अंदर। अब ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, यहाँ से 12 दिया हुआ है, यहाँ से 11, तो ये देखिए 5 5 ये इक्वल हो गया, ये 1 1 ये इक्वल हो गया, ये 1 और यहाँ पर ये 2, तो 2 greater than 1, तो मतलब इसने सबसे ज्यादा सोल्ड किया है। उसके बाद सबसे कम किसने सोल्ड किया है वो देखना है हमको, तो यहाँ पर देखिए कम वाले नंबर अब हम देखते हैं, ये 4 4, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 3, तो ये सबसे कम वाला जिसने लेस सेल किया है और जिसने सबसे ज्यादा मैक्सिमम सोल्ड किया है। उसके बाद नंबर को किसमें लिखना है हमको, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। देखिए नंबर को लिखने की जो तरतीब है, एक होती है असेंडिंग ऑर्डर, एक होती है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसको बोला जाता है, जब हम बड़े छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर छोटे आधा देता हूं, 21 25 और 24, इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या होगा, इसका 21 पहले आएगा, 24 बाद में, उसके बाद फाइनल में 25। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, 25 पहले। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना, तो 25 उसके बाद ये 24 और फिर आएगा 21। तो इन नंबर को कंपेयर करके, मैंने किताब में आंसर लिखा हो, आप अपने तौर से कंपेयर करके आंसर लिखिए, उसके बाद किताब के अंदर से आंसर चेक कीजिए।